खबरें ताबड़तोड़ का है, लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें आपको बता देते हैं। सबसे पहले खबर कानपुर से है। कानपुर में पंपी जैन के रिश्तेदार के डॉक्टर अनूप जैन के घर भी इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। पंपी जैन के रिलेटिव हैं, जिनके घर पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम वापस लौट गई है। जानकारी ये है, हालांकि इनकम टैक्स विभाग की टीम ने आनंदपुरी में अनूप जैन के दो मकान सील कर दिए हैं और मकान नंबर 251 और 272 पर कार्रवाई की गई है। दोनों घरों पर जूही थाने की पुलिस को तैनात किया गया और इनकम टैक्स की टीम दोनों मकानों पर सीलिंग का नोटिस चस्पा कर लौट गई है। और इसके अलावा एक्सप्रेस रोड पर मौजूद पंपी जैन के प्रतिष्ठान प्रगति अरोमा से भी आयकर विभाग की टीम चली गई है, ये जानकारी मिल रही है। तो वही आपको बता दें कि कन्नौज में मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के घर और फैक्ट्री पर भी इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। इस दौरान भारी तादाद में कैश बरामद किया गया है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये रेट चली है। रतीश कानपुर से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रतीश, बताया जा रहा है कि टीमें अब छापेमारी के बाद निकल चुकी हैं, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल सुबह सात बजे इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने छापेमारी की थी और कानपुर में दो जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक आनंदपुरी था और दूसरा एक्सप्रेस रोड था। एक्सप्रेस रोड में प्रगति अरोमा के नाम से प्रतिष्ठान है, पंपी जैन का कार्यालय है, वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। हालांकि दो घंटे बाद जब प्रतिष्ठान के ताले खुले थे, आयकर विभाग के अधिकारी उसके अंदर गए थे और फिर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। तमाम दस्तावेज जुटाए गए हैं, बताया जा रहा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ पेन ड्राइव और कुछ हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया गया है और उसके बाद आयकर विभाग की टीम वहां से चली गई है। दूसरा जगह आनंदपुरी है। आनंदपुरी में जो पंपी जैन के रिश्तेदार हैं डॉक्टर अनूप जैन, उनके घर पर कार्रवाई की गई थी। आयकर विभाग की टीम पहुंची थी और उसके बाद कार्रवाई करने के बाद अब टीमें लौट गई हैं। 251 मकान नंबर है और 272 आनंदपुरी में मकान नंबर है। दोनों ही मकानों को सील कर दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर अनूप जैन जो रिश्तेदार हैं पुष्पराज जैन और पंपी जैन के, वो घर से बाहर हैं और घर से बाहर होने के चलते कार्रवाई नहीं की जा पा रही थी। गार्ड ही मौजूद था, केयर टेकर मौजूद था, उससे जानकारी दिलाई गई। लेकिन अब जब डॉक्टर अनूप जैन लौटेंगे, जो मुंबई में है अपने इलाज के लिए गए हुए ऐसा बताया जा रहा है, जब वो वापस लौटेंगे तो आयकर की टीमें भी वापस लौटेंगी और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी, अंजाम देंगी। फिलहाल जो स्थानीय थाना है वहां के दो दो पुलिसकर्मी दोनों मकानों पर तैनात कर दिए गए। सुरक्षा कर्मी, आयकर विभाग की टीम नोटिस चस्पा करते हुए सील लगाते हुए यहां से जा चुकी है और किसी को भी मकानों के अंदर आने और जाने की इजाजत फिलहाल नहीं है। बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।